जिंदगी को और बेहतर बनाए। साथ महमूद आलम साहब भी हैं और उनके पेशेंट्स जो हमारे साथ आए हैं, मैं चाहूंगी कि इनके हवाले से महमूद आलम साहब कुछ बताइए कि ये जब चलकर यहाँ आ रहे थे, क्या नाम इनका, मुश्ताक साहब, तो बहुत मुश्किल से चलकर यहाँ, मुश्ताक साहब से ही पूछिए जी। मुश्ताक साहब, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या आपको चलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है? यहाँ मतलब तो इतनी नहीं है, जब ये अटैक मतलब फालिज का अटैक हुआ था नानी जी। अच्छा, तो क्या आप हिलजुल नहीं पा रहे थे? बिल्कुल हिलनी थी, मतलब कम मूवमेंट कम थी। अच्छा, फिर चलने में दुश्वारी थी। अच्छा, फिर डॉक्टरों का इसके पास इलाज नहीं है कोई, सिवाय ड्रिप के कोई इलाज नहीं है। हाँ। फिर हम हकीकमत में गया, मैं वहाँ पर नहीं था कुछ इलाज, दवाई खाता रहा। फिर एक महमूद साहब को किसी ने पता बताया। हाँ। इनके पास गया। हाँ। तो उन्होंने रेखी करी, तो मैं तकरीबन जाता रहा 8-12-13 मरतबा। हाँ। तो इस काबिल हुआ कि मैं आराम अपने काम जरूरी कर पाए, वो कर लेता हूँ, चल पाए। पहले आप बेड पे बेड में कम मूवमेंट थी, कम थी। हाँ, मूवमेंट जी हाँ। अब मैं अपने आराम से की नमाज पढ़ने या दफ्तर चले आता हूँ तो काम कर लेता हूँ अपने। अच्छा, अपने जरूरियात के काम आप खुद कर लेते हैं? जी। आपको कैसा फील हो रहा है कि कितने अरसे बाद आप उठे हैं और खुद कर पा रहे हैं चीजें? बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि किसी का मोहताजगी तो नहीं है ना, किसी की थोड़ा स्लो है मोमेंट कम, लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आप तो करते रहेंगे तो मोमेंट बहाल हो जाएंगे। कोई इलाज नहीं है, कोई परहेज नहीं इसका, तो ये है। तो आप खुश हैं अपने इलाज से? हैं, मतलब और ज्यादा उम्मीद है कि और सिटिंग ले इलाज है। हाँ। ये नहीं कि ये महंगा इलाज हो, आसानी से हो भी सकता है। हाँ। जी हाँ। जिसम जोड़ों में दर्द होता है आपको? नहीं, जोड़ किसी में जिसम में कोई दर्द नहीं है। हाँ। और आप क्या एज क्या होगी, उम्र क्या है आपकी? मेरी है तकरीबन 50 साल से ऊपर। अच्छा, 50 से ऊपर। जी हाँ। अच्छा, तो ये किसी भी उम्र के बंदे को, जैसे 70 साल, ऐसा नहीं होता। ये जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो शूट कर जाता है बहुत ज्यादा। जी, तो उसकी वजह से नहीं, वो तो मुझे पता है फालिज के कैसे होता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई 70 से ऊपर भी हो और उनको तकलीफ हो कभी अस्थमा की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम फालिज की, तो क्या ये उन पर भी असर अंदाज होता है? सब पर, चाहे क्या कोई भी उनकी एज हो? बिल्कुल बिल्कुल सब। और रेकी से क्या क्या, अच्छा इन बीमारियों के अलावा और रेकी से क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते? मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब आहिस्ता बोलते हैं इसलिए मैं हमेशा ऊंचा बोलने की आदत है मुझे, लोगों को बड़ा रहता है कि डॉक्टर साहब इतना आहिस्ता बोलते हैं कि उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। इससे आप हर तरह का इलाज कर सकते हैं। वो खवातीन जो बेऔलाद हैं और वो चाहती हैं कि उनके घर में भी खुशियाँ आए और औलाद आए, तो वो अपना इलाज भी कर सकती हैं और इलाज करवा भी सकती हैं। और अगर सीखना चाहते हैं आप लोग तो प्लीज 12 फरवरी को रीजन प्लाजा में हमारी क्लास है, दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, वहाँ के आप सीख सकते हैं। आपको कैंडल्स भी ट्यून करके दी जा सकती हैं। और मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि बहुत बेहतर है कहीं जाने से कि एक दफा खुद सीखें और फिर अपना इलाज खुद करते। देखें, जो दुआ आप अपने लिए खुद करेंगे ना, वो हजारों लोग भी मिलके कर लेंगे। जो गिड़गिड़ा के आप उस रब से अपने लिए मांग सकते हैं, वो कोई आपके लिए नहीं मांगेगा। तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए खुद हजूर उसके पेश होना चाहिए और अपने लिए खुद काम करना चाहिए। तो इसके अलावा और दूसरे कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, नंबर्स आपके सामने हैं ताकि वहां लोग आए। अभी हम एक रिसेंटली शो में गए थे तो हमारे कॉलर थे हमारे। हाँ। तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। अच्छा। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियली उनके इतने अच्छे हालात नहीं थे कि वो पे कर पाते, तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि आप आइए कि हम आपका सारा खर्चा हम खुद पूरा करेंगे। तो जहां लोग इस तरह के होते हैं वहाँ हम उनका अखराजात भी उठाते हैं। अच्छा। लेकिन लोगों को ये भी ख्याल करना चाहिए कि घर इनका भी चलता है। हाँ। घर हमारे भी चलते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग फिर ऐसे भी आ गए। हाँ। जो मुस्तहिक थे और बहुत से ऐसे थे जो मुस्तहिक नहीं भी थे और जो अपना खर्चा पूरा। हाँ। कर सकते थे, लेकिन तो वो भी आ गए। तो वो इस किस्म की छोटी छोटी सी चीजें जो होती हैं, प्लीज ये आप लोगों को भी सोचना। हाँ। चाहिए। बात शुरू यहाँ से हुई थी कि इसमें और कौन कौन से इलाज हो सकते हैं। अजय पे हम जाते, पहले कॉलर हैं, देखते हैं क्या आपसे बात करना चाहते हैं, जो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इतनी परेशान हूँ, पिछली दफा भी प्रोग्राम देखा था तो उनका नंबर ही नहीं, इंगेज 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 इंगेज, मतलब बहुत ट्राई किया मैंने। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंगेज जब मिल रहा है तो उसका क्या किया जाए? मेरे शोहर को डिप्रेशन है 98 से, उसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी अच्छी जॉब चलेगी और आजकल हम लोग बहुत परेशान हैं, तबीयत उनकी सही नहीं थी। बहुत एक्सपर्ट्स मैंने इनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं, सिर्फ दवाई खाना और बहुत महंगी दवाई है, अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप बताइए अपना नंबर, अगर ये आप लोगों को भी लिखवा दें तो आपको डायरेक्ट कॉल इनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अपना नंबर आप हमें लिखवा दें तो डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। और दूसरे के अगर कहीं किसी को ये ऐसा होता है कि नंबर्स इंगेज जा रहे हैं और नंबर नहीं मिले, तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि रीजन प्लाजा में 3:00 PM आप लोग डायरेक्ट वहां आ सकते हैं, वहां के अपने उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जो लोग नहीं कॉल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे वहां आकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। सर इनकी शिकायत, अच्छा आप इन आपको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अब नहीं है, पहले थी। पॉलर था मेरा तो वो कोई चल नहीं रहा था, इतना कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सर को देखा टीवी पे तो इनकी क्लास ली तो समझ में आए कोई चीज है, फिर उनसे कैंडल चार्ज करवाई वो चलाई, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, और क्रीम्स जो होती हैं पॉलर्स की उसकी हीलिंग देकर उसको जब हम फेशियल या मेकअप या कोई ब्राइड बनाएंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा। हाँ, बहुत पसंद अच्छा, करा लोगों ने। अच्छा, अच्छा। तो इनकी दुआ से माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। सबको मैं कहूँगी कि जरूर सीखी और सीखी है, टीवी पे देख के बहुत इंस्पायर हुई थी, जाके रजिस्ट्रेशन कराई, फिर हम रीजन प्लाजा में गए थे दोनों जाके, फिर हम जाके सीखे। मतलब कि मुझे ये होता है कि क्या इस चीज से जिंदगी में कुछ सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सॉरी मेरे अंदर इतना गुस्सा था मैं किसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा बहू की खिंचाई होती होगी? नहीं, बहू बहू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो फिर नहीं, मेरे अपने घरेलू थोड़े बहन भाइयों के साथ तो मेरे अंदर एक अना थी, लेकिन मैं खुद जाके उनसे माफी मांगी। मतलब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई इससे, ये चेंज आई, वरना मुझे कोई झुका नहीं सकता था। वाह, रेकी ने आपको झुका दिया। इतना था कि अगर कोई शख्स मुझे कुछ कह दे तो जब तक उसके घर नहीं जाऊं मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन आज जो है मैं अपनी गलती तस्लीम कर रही हूँ और मैं जाके माफ। चलिए, यही एक सबसे बड़ी बीमारी, बहुत सबसे बड़ी बीमारी है जो आप अपनी अना को मारते हैं। बिल्कुल, और वो भी यही कहता है कि अपने आप को झुका दो। हमेशा हकीकत के बाद मुझे इतना सुकून है कि बता नहीं सकते। मुझे नींद भी आती है और बड़े सुकून। चलिए कॉलर से बात करते। जी सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस वसीम, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे असल में रेकी के मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, लेकिन मैं सिर्फ एक वजह से, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो मैं करना चाह रही हूँ। जरूर कीजिए। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना है कि रेकी की इब्तिदा कहाँ से हुई और ये मतलब इसको जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मैंने ये सुना है कि रेकी की एनर्जी उस्ताद दर उस्ताद शिफ्ट की जाती है और हम उससे मतलब दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो ये सबसे पहले ये एनर्जी जिसने गेन की और जिसने ये चीज आगे शिफ्ट की, आप हिस्ट्री का हिस्ट्री पूछना जी, नहीं इसकी इब्तिदा हिस्ट्री हुई ना। देखिए इसकी इब्तिदा जो है जापान के एक मिका यूसुई थे, एक अच्छा। यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। अच्छा। तो अपने यूनिवर्सिटी में क्लास दे रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से एक साहब ने खड़े होकर कहा कि जिस तरह पैगंबर और पुराने जमाने के लोग हाथ रखते थे तो लोग शफेयाब हो जाते, तो इस जमाने के लोग क्यों नहीं? तो वो जवाब देने से कासिर रहे, फिर वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी उन्होंने। छोड़ने के बाद इस पर तहकीक शुरू कर दी। तहकीक शुरू करते करते कई मुल्कों का सफ़र किया, जापान के एक योकोहामा पहाड़ है, फिर वहाँ उनको एक हिदायत मिली उनके हिसाब से, मतलब तो वहाँ कम से कम 21 दिन तक वो भूखे प्यासे मुराकबत। तो वहाँ से इनको ये चीज़ अता हुई। जब वो उतर रहे थे पहाड़ से जाने लगे तो एक साहब देखे, कहने लगे कि तो भूखे हैं इनको खाना, तो वो घर में बुला ली, बुला के बिठाए, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल सूख गए हैं, तो इनको उबली हुई चीज़ खाना दिए। तो एक बच्ची जो खाना लेकर आई तो वो दुपट्टा बांधी हुई थी, तो आपने फरमाया इसको क्या है? क्योंकि इसके दांत में दर्द जा नहीं रहा। तो उस बच्ची को बिठाने दोनों हाथ अपने हाथों से उसकी गाल पे रखा, तो उसका उस वक्त दर्द खत्म हो गया। अच्छा,
तब से ये शुरू। हाँ, उसके बाद खुद भी उतर रहे थे तो घुटने में उनके अंगूठे में चोट लग गई तो खून निकलने लगा, तो वो अपने घुटने अंगूठे में हाथ रखा तो खून बन गया। अच्छा, क्या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इस चीज को डिनाय करते हैं सादिया, तुम्हें मिलते हैं लोग के कि क्या है सादिया, क्या ये बाकी नहीं, लोग देखो जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी तो सबके अंदर होती है ना, मुझसे भी कोई आके कहेगा कि ये चीज है ऐसे कर लो तो मैं उसे पहले जानना चाहूंगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैंने रेकी सीखी और तुम, मेरे पे फर्ज है कि मैं पहले लोगों के जो क्वेश्चंस है ना उनको क्लियर करूं, उनका जवाब दूं। हाँ। ये ना मैं कहूं कि जी करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ। नहीं, मैं पहले उनके माइंड को क्लियर करती हूं, उनको बताती हूं कि ये बेसिकली है क्या, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जापान से इसका स्टार्ट हुआ था और ये वहां से चली है ये चीज, और ये बिल्कुल सही जैसे कि इन्होंने कहा कि ये उस्ताद दर उस्ताद होती है। हाँ, हाँ। रेकी के भी तीन लेवल होते हैं, इस तरह नहीं होता कि मैंने फर्स्ट लेवल पे सीखा और उसके बाद मैं मास्टर बन गई, नहीं, मैं मास्टर नहीं बन सकती, मास्टर ये है। उसके थ्री लेवल जब तक आप कर लेते हैं तो आप जाके मास्टर बनते हैं और फिर आप किसी और को ट्यून कर सकते हैं, आप रेकी ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि वो आगे करे इसको। तो बिल्कुल इसी तरह आपने सही सुना कि मास्टर से ही ये चीज आगे जाती है। लेकिन जो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी वो ये है कि देखें, शक और शुभात तो आप अगर किसी भी जात पे रख लेंगे तो वहां चीजें खराब होने ही शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज के ऊपर अमल किया जाए, किसी भी चीज, बिकॉज ये इसमें वही चीज है जो आपके अपने ही हाथ से अपनी ही एनर्जी आप दे रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी नेगेटिविटी होती है, बल्कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ये दूर करता है। हिस्ट्री आपने जान ली है, और इसके अलावा मजीद आप जानना चाहें तो डॉक्टर साहब के अपने हाथ की लिखी हुई किताब है, आप आइएगा 12 तारीख को, आपको वहां वो किताब भी मिल जाएगी और आप मजीद उसमें जान सकेंगे। और ये वाहिद रेकी मास्टर हैं जिन्होंने किताब उर्दू में भी लिखी और इंग्लिश में भी लिखी है ताकि लोग जान सकें। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी नेक्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, प्रोग्राम को एक साल हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आप हों उसमें मेरे साथ। तो अगर आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करें तो आप हमें 5 बजे तक, आज से लेकर ऑनवर्ड्स 5 बजे तक आप हमें कॉल कर सकती हैं शाम 5 बजे तक, और रजिस्टर करा सकती हैं अपने आप को ताकि आप मेरे साथ एक पूरा दिन गुजार सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ यहाँ महबूद आलम साहब हैं और सादिया इमाम, और ये रेकी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। मैंने ब्रेक के दौरान थोड़ा सा सादिया से कहा कि अगर थोड़ा सा फर्स्ट लेवल रेकी का जरा सा एक आइडिया दिया जाए कि किस तरह सीखा जाए, तो बता सकेंगे क्या आप? देखो, ये कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसका अपने पहला पन्ना खोला और उसके बाद आपने पढ़ लिया, ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके साथ ये होता है। तो वो आपको मास्टर ही आपको ट्यून करता है फर्स्ट लेवल के लिए, और उसी के लिए ही हमने 12 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि वहाँ आए और वहाँ के आप लोग सीखे, वहाँ लेक्चर्स भी होंगे ताकि आपको डिटेल में ये सारी चीजें पता चलें। हाँ, छोटी छोटी सी जो चीजों की टिप्स हैं वो हम जरूर आपको यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बोला था कि उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है या कुछ लोग फोकस नहीं कर पाते अपने काम को, और फिर देखें एक्चुअली फोकस ना ही करना ही सबसे बड़ा डिप्रेशन है। हम जब चीजों को फोकस नहीं करते तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आपने फोकस कैसे करना है, एक एक चीज मैं हमेशा हरे को कहती हूँ, जब मेरे पास लोग मोमबत्तियां लेकर आते हैं कि जी इसको चार्ज कर दें या ये कर दें, तो मैं हमेशा कहती हूँ पर्ची पे एक दुआ लिखो, एक चीज लिखो, 10 चीजें लिख देंगे, मेरा घर भी हो जाए इस साल, मेरी बेटी की शादी भी हो जाए इस साल, मेरा ये भी हो जाए इस साल। मैं कहती हूँ देखिये मैं इन सब के लिए भी कर दूंगी, लेकिन फोकस अगर आपने एक चीज अगर माइंड में सोच ली ना कि इस साल आपको क्या चाहिए, जिस तरह डॉक्टर साहब के पास आए थे एक साहब जिनकी 4 बेटियां थी और उनकी शादी का मसला था, तो उनको हमने यही समझाया था कि आप लिखें कि सिर्फ मुझे अभी अपनी बेटी की शादी के लिए ही मोमबत्तियां चार्ज करवानी है। तो उन्होंने वही लिखा कि मैं ये मोमबत्तियां चार्ज ही इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरी जो 4 अल्लाह ने रहमतें अता की हैं मैं उनको बाइज्जत तौर पर उनके। अच्छा, अब वो चार बेटियों के लिए माशाल्लाह, वो 40 मोमबत्तियां पूरी होने से पहले ही उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई जनवरी में, और अब वो मोमबत्तियां चार्ज कराते हैं अगर, तो क्या होता है, रोज जलाना होता है अपने घर? डेली आपने रोज जलानी है उसको, एक मोमबत्ती को डेली एक टाइम रखना चाहिए, रोजाना रात को जिस वक्त आपने पहले दिन मोमबत्ती जलाई है वो 12 बजे हो, वो रात 1 बजे हो, वो एक
एक टाइम पे जलाएं, वो मोमबत्ती इसलिए होती है कि देखिए एक नॉर्मल मोमबत्ती है वो कितनी देर तक जलेगी, आपके घर में लोड शेडिंग जाती है तो वो मोमबत्ती आपकी एक घंटा दो घंटा या तीन घंटा जलती है, लेकिन अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, किसी ने